तुम्हारा भी फोटो ले। तो ऐसा है कि आप जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पे चलते हैं, मैं आपको एक यहाँ हमेशा वो शख्स मिलते हैं यहाँ पे ईमानदारी पे रहमान के पास। ये होता है ये कौन टोपी है भाई? पर कोई मोहब्बत है, शरबत की टोपी है भाई। ये भैया ने मुझे मोहब्बत में ये टोपी पहनाया, ये हमारा अलग एक पहचान है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ भाईजान, आप आपके पास बहुत ही शरबत का नाम है, लोग आते हैं, लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे कि आप कितने बजे से आपका स्टूल लगा हुआ होता है यहाँ पे? सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक के लगा रहता है, मतलब सेवा आपका 10 बजे रात तक चलते रहता है जी। आप देख लीजिए मोहम्मद दानिश साहब को, लो अल्लाह हबीबी बंदना सुधरा कभी भी। देखिए भाई है, ये दिल्ली में आई है, आ जाए भैया को। अगर आपको कभी कोई मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी पीना है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आते आ जाते हैं भैया, जरूर आपको दिल खोल के पिलाएंगे, क्योंकि मोहब्बत शरबत है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आते हैं तो, और जरूरतमंद लोगों को भी भैया कोऑपरेट करते हैं। अगर किसी को चक्कर आ गया, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भाई के पास आ जाओ। मोहब्बत बहुत दिल तोड़ गए, क्योंकि कबर कफन में जेब नहीं होते हैं, जेब होता तो सब कुछ लोग लेके चले जाते हैं। बस मोहब्बत है, इसलिए तो इनका नाम ही है। अगर चंद जेब में सुलाख हो जावे तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जावे। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन उस चांद को बहुत गुरूर है कि हमारे पास नूर है, लेकिन उसे ये नहीं पता हमारे जितने भी दोस्त है वो कोहिनूर है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बने रहेंगे हमारे चैनल पे। बाय 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 बाय। तो दही का इंतजार खत्म हुआ और मेरे हाथ में आ चुका है हाजिर भाई। कौन से ब्लॉगर है भाई? अभी भाई साहब कह रहे कौन से ब्लॉगर है, लेकिन उन्हें मैं बता दूंगा ऑफ कैमरा कि मैं स्टंटमैन भी हूँ, बाकी लोगों को एंटरटेन करते रहता हूँ। खैर एनी वे, पहले खा लिया जाता है, पहले पेट पूजा कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा एनर्जी बना के आपसे बात करते रहूँगा। और मैं कोई एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, बस जो है रियल लाइफ में रियल दिखाता हूँ। तो हमें याद रखना, मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ भाई। खाते के साथ बहुत मस्त लगा, मजा आ गया। अब सीढ़ी से उतरिएगा ना, इस साइड में नीचे यहाँ पे है, आ जाइए इनके पास, खा के देखिए, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। इतने पैसे में तो हो जाना चाहिए है ना कादिर भाई, इतने में हो जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए हमारे पास जाइए, इतने में हो जाएंगे। नहीं अभी हम लोग चलेंगे जरूरतमंद लोगों के लिए बांटने के लिए, और मिलते रहेंगे, ठीक है, बने रहेंगे। और हाँ तो भाई ये खाना खा के निकल चुके हैं, और इतना शांति जिंदगी में पहली बार लग रहा, गर्मी का टाइम है, जिंदगी में पहली बार शांति लग रहा आज का शांति। क्या कादिर भाई आज की शांति माहौल आज कैसा है? शांति बहुत शांति हो गई। आपके दिल्ली में गर्मी कैसा है अभी? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बहुत पड़ रही है ना। तो अभी हम लोग होटल से निकले, अभी हम लोग जा कहाँ आ रहे हैं? इनके साथ जा रहे हैं और कुछ अलग ही कैफे जामा मस्जिद। तो बस बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, साथ में इनको लेके चल रहा हूँ, ये बता रहे कि चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ, अभी घुमाता हूँ। उसके बाद सोनू सूद के पास जाने वाले हैं, इन्हीं के थ्रू सोनू सूद के पास जा रहे हैं। उनका नाम है सलमान भाई, और ये दिल्ली काले महल के राजा है, बादशाह है, ठीक है, हमारे नज़र में और लोगों की नज़र में, जिसके ये सपोर्ट में आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल जामा मस्जिद हम लोग पहुँच चुके हैं सामने, लेकिन हम लोग इधर से उधर जाएंगे अभी। ये देखिए मेरे साथ कहीं खाने के लिए भाई साहब आ गए हमारे, देखिए कादिर भाई को हर कोई जानते हैं, ये दुकानदार आते ही साथ बोला क्या कब हाल है कादिर भाई, तो वो सच यही है, वो भी दिल्ली जामा मस्जिद में। ये रबड़ी मलाई है, शाही खीर है, दही वाले लस्सी है, तो इसके बैठते हैं हम लोग, लस्सी खाते हैं, ये मलाई खाते हैं, कैसी लस्सी है। और एक के भाई बताता हूँ आपको, और तो मेरे को आदत है सेलिब्रिटी जहाँ लोग रहते हैं सेलिब्रिटी को ये कर देते हैं, हाँ तो हाथ मारो पीछे, ठीक है, वेरी गुड। आजाद तो इसी खोलिए आ जाएगा, तो हम दही ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो खा के बताते कैसा है।
पहले आने दो टूरिस्ट। अभी बहुत तेज की भूख लगी हुई थी तो हम आए, बोले दिखाते भाई चलो यार कुछ खा के आ जा, आ जाता हूँ। गरीब का खाना है, गरीब टेम्पल पर पेट बनना है, जाने तो जान है, बाकी हमारे यूट्यूब वीडियो पर बने रहे हैं। फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, पूरी सिस्टम में छोड़ो इधर आओ भाई, मेरे दोस्त थोड़ा सा आ जा भाई, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, टेंशन क्यों ले रहा है यार, अब बात पूरी सी यूट्यूब पे मारियो, आ जाएगा जरा। एक गिलास पानी लेकर आओ भाई, गिलास पानी गिलास लेकर आओ, और ये भाई को पहचान लो, इनके पास आओ तो खाना वाना खाओ, टाटा आया कर लो यार, ये दिल्ली है मेरे यार। ये शाहरुख भाई जो किसी चेहरे के मोहताज हैं, लेकिन आप आगे बढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, ये बंदे हैं बहुत ही अच्छे बंदे हैं, लेकिन अफसोस आप लोगों को, जितनी भी लड़की देख रही है ये शादीशुदा है, बेचारे शादीशुदा है ना, अरे कुंवारे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको भर लीजिए, यानी कि उठा लीजिए, पाव बढ़िया है, पाव को छोड़िए मत। और ये देखिए उनका बच्चा है, सॉरी शादी नहीं, वो तो बच्चा कैसे हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, आज आज आजकल क्या होता है कि देखिए बीच बीच में बहुत जरूरी है एंटरटेनमेंट करने के लिए, रोल आने के लिए आप लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बीच बीच में एंटरटेन भी करता हूँ, उसको सीरियस नहीं लोगे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कब से बेच रहे हैं? हम तीन चार दिन हो गए। तीन चार दिन हो गए, उससे पहले कौन चला रही थी ये दुकान? उससे पहले ये भाई चला रहे थे, ये भाई सर। ये भाई को तो हर कोई जानते हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सर्विस ही ऐसा देते हैं, सर्विस इनका ऐसा ही है, तो उसमें कोई दाग नहीं है। लो जी मतलब वो सब कुछ देखिए, अभी ने वहाँ पे वो पिया, लेकिन भैया का मोहब्बत वाला शरबत है तो मैं जरूर पीऊंगा, और फिर ठीक है थोड़ा सा धरेंगे। गेट नंबर दो से आपको बैनर भी दिखा देता हूँ जी, और दे दो थोड़ा सा। देखिए ये चमचमाती हुई धूप में भी भाई के पास भीड़ होती है, चमचमाती हुई धूप में लोग आते हैं इनके पास आके रिलीफ लेते हैं। चलिए ओके, जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय। क्या सप्लाईज कह रहे हैं? ये सप्लाईज कह रहे हैं, यानी कि लड़का वाला पटम्मा दबा के काला कर दीजिए। चलिए बाय बाय।